उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कल बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसके चलते बीजेपी ने थराली सीट से विधायक मुन्नी देवी शाह का टिकट काट दिया है, जिसको लेकर वो नाराज हैं। इस दौरान टिकट काटे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा टिकट क्यों काटा गया, मैं ये पूछना चाहती हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने विधायक रहते हुए क्षेत्र के विकास में ऐतिहासिक कार्य किए जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित होंगे। उतना ही नहीं बल्कि मैंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे में टिकट काटे जाने से नाराज विधायक मुन्नी देवी शाह ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता और पूरी जनता मेरे साथ है। वहीं उन्होंने संगठन और भाजपा पृष्ठभूमि के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान प्रत्याशी को पैसे देकर टिकट काटा गया। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी को अगर थराली सीट पर टिकट ही बदलना था तो भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता को देते। ऐसे में उन्होंने पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान प्रत्याशी पैसे से टिकट तो खरीद सकते हैं, लेकिन थराली की ईमानदार जनता का वोट नहीं खरीद सकते। वहीं मुन्नी देवी शाह ने कहा कि हाईकमान ने कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट दिया है, जबकि भाजपा के अन्य लोग भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट न देकर कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट मिला है। ऐसे में अब पार्टी कार्यकर्ता लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने लगातार क्षेत्र में तमाम कार्य किए हैं, जनता का साथ मिल रहा है और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।